किस तरीके से पांच साल में देखते हैं अपने कार्यकाल को? धक्का मत दो जी। देखिए, पिछली बार जिस प्रकार से एक विधायक के चुनाव के नाते से नहीं आया था, टेक्निकली तो अभी भी विधायक के ही चुनाव के लिए आया हूँ। मुख्यमंत्री का चुनाव सीधा नहीं होता है, और विधायक के चुनाव के नाते से जनता ने जो पहले प्यार दिया था, मैं समझता हूँ उससे अधिक आशीर्वाद इस बार जनता के लोग मुझे देंगे। उसका विशेष कारण भी है, क्योंकि इस बार एक विशेष दायित्व के कारण से मुझे प्रदेश भर में भी जाना होगा। तो यहाँ के जितने हमारे समर्थक, मतदाता, कार्यकर्ता सबने ये कहा है कि आप नामांकन पत्र भर करके चले जाइए, बाकी सारा काम हमारी पार्टी के लोग, समर्थक लोग, जितने वो सब लोग करेंगे। और उसमें आसपास के बाकी लोग भी आने वाले हैं, कुछ और प्रदेशों के लोग भी आएंगे, हमारे खास करके उत्तर प्रदेश के लोग, चंडीगढ़ के लोग भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि जनता कई अधिक मतों से पहले की अपेक्षा, सर कहीं ना कहीं लगता है कि रिजेंटमेंट है, मतलब टिकट आवंटन के बाद कहीं ना कहीं वर्कर्स में जो टिकट एस्पिरेंट्स में उनमें रिजेंटमेंट है। देखिए, रिजेंटमेंट नहीं होती है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार एक चाह जो ज़्यादा बनी हुई है सारे प्रदेश में, एक अच्छा वातावरण है, और उस अच्छे वातावरण के कारण से जब पार्टी के प्रति चाह ज़्यादा बनती है तो स्वाभाविक है ऐसे अवसर के ऊपर इच्छा रखने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं, सबको पता है कि एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही कार्यकर्ता, एक ही व्यक्ति प्रत्याशी होगा, बाकी सब उस प्रकार से हमारी सब बातचीत हो गई है। कहीं छोटा मोटा अगर विषय है तो हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं, और बाकी सब लोगों ने कहा क्या मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या मुख्य मुद्दे क्या हैं जो पब्लिक के अंदर जा रहे हैं? सर, जिस तरीके से ओपोजिशन ये कह रहे हैं कि जोश में, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि हमने लास्ट बॉल पे छक्का लगा दिया है, किस तरीके से देखते हैं ओपोजिशन को और अपने टारगेट? ये सारा विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं, उसकी चिंता नहीं है हमारे, और जनता जो है वो इसका निर्णय करेगी कि वो 75 तक रुकेगी या 75 प्लस की जो बात है जो अपने जनता के जिम्मे छोड़ा है, वो प्लस वाले विषय जनता आगे कहाँ तक लेके जाती है। क्या मुद्दे हैं, मतलब किन मुद्दों को लेकर मनोहर योग करेगी हरियाणा में? योगी जी, योगी जी क्या कहना चाहेंगे? पड़ोसी राज्य हैं, मुख्यमंत्री जी को आप शुभकामनाएं देने आए, नॉमिनेशन में पहुंचे, क्या कहेंगे? बधाई देता हूं माननीय मनोहर लाल जी को नामांकन के लिए। 5 वर्ष में जिस ईमानदारी, जिस निष्ठा, जिस सहजता, सरलता की प्रतिमूर्ति से उन्होंने परिश्रम पूर्वक हरियाणा को एक नई पहचान दिलाई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। कोई संदेह नहीं है कि 75 प्लस का जो नारा हरियाणा के संदर्भ में दिया गया है, और जो उत्साह यहाँ कार्यकर्ताओं में है, नागरिकों में है, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 वर्ष के दौरान जो उपलब्धियां हरियाणा ने हासिल की हैं, अवश्य 75 प्लस का लक्ष्य प्राप्त होगा। एक शानदार कार्यकाल के लिए मनोहर लाल जी को बधाई, और भावी सरकार के लिए भी शुभकामना देने के लिए मैं विशेष तौर पर आज उनके नामांकन में भाग लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लोगों में अपार उत्साह है, पूरे हरियाणा में उत्साह है, और हरियाणा एक बार पुनः उनके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में फिर से बनेगी, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 75 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी। तो योगी सर, आप दोबारा चुनाव प्रचार के लिए देखे जाएंगे? क्यों नहीं सर, एक सवाल ये है, सर क्या एनआरसी के ऊपर काम करेंगे योगी?